हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से, आपके बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, थोड़ा सा 10 मिनट लगे आप लोगों का, क्योंकि हमारे भी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग काफी परेशान हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं। बाकी सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अभी आपका एग्जाम डेट जो है वो आ चुका है, सिर्फ आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन क्या, 13-14 दिन बचे हुए हैं। और अभी आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि हम आखिर करें तो करें कैसे तैयारी, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के पास समय जो है वो कम मिला है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। मेरे पुराने स्टूडेंट्स जिन लोगों को हमने मैथ्स वगैरह टीच कराया है, वो लोग अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और जिन लोगों ने मैसेज किया है तो कि सर बीपीएससी के लिए मैथ्स वगैरह के बारे में कुछ बता दीजिए, तो ये चीज बताना उनके लिए बहुत जरूरी था। मैं काफी दिन से सोच रहा था कि आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बता दी जाए। तो एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे आप लोग, पढ़ तो आप लोग पहले से चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, सीटेट आपने क्वालिफाई कर लिया है, नो डाउट मैथ्स आपका ठीक ठाक होगा, और भी इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स भी ठीक ठाक होगा। लेकिन इन 15 दिन में आखिर करें तो करें क्या, तो जो बात हम कहने वाले हैं उस चीज को एकदम गांठ बांध लीजिए कि आपको एकदम एज इट इज वैसे ही पढ़ना है। जीके आप पढ़ रहे होंगे, साइंस आप पढ़ रहे होंगे, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, फिलहाल वैसे तो 150 का होगा, 30 नंबर जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, बाकी जो 120 नंबर बचा तो उसमें आपका आ गया मैथ्स, आ गया रीजनिंग, आ गया साइंस, आ गया और जीके आ गया। तो जीके में आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे खूब धुआंधार ढंग से, साइंस भी, लेकिन एक गलती आप मत करिएगा, वो क्या है, जीके आप देख सकते हैं ऑनलाइन मैराथन वगैरह, साइंस भी देख सकते हैं मैराथन वगैरह, नो प्रॉब्लम, बट मैराथन वही देखिएगा जिसमें आपको क्वेश्चन की ढेर सारे प्रैक्टिस कराई जा रहे हो, और अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक हो तो आप उसे छोड़ दीजिए, मैराथन भी मत देखिए, आप खुद उसकी प्रैक्टिस करिए बुक से, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना क्वेश्चन कराएगा, ज्यादा ज्यादा 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, वो भी फुल स्पीड में। लेकिन अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो 1 घंटे में आपने ऑलरेडी कई बार पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि आप काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस 1 घंटे में आप कम से कम चाहेंगे तो 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं आप, इसमें रिविजन मस्ट है। जीके साइंस का तो ठीक है आप पढ़ रहे हैं, रही बात अगर हम बात करें मैथ और रीजनिंग के लिए, तो एक गलती मैथ और रीजनिंग में दोस्त आप बिल्कुल मत करिएगा, वो गलती करना ही नहीं है। इस 15 दिन में आपको किसी का भी क्लास नहीं लेना है, ये गलती आपको करना ही नहीं है, इसलिए मैं करा नहीं रहा हूं क्लास इस 15 दिन में। क्या पिछले 1 महीने में भी आप किसी का क्लास मैथ और रीजनिंग की नहीं कर सकते हैं? करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे खुद, क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं मैं। आप जब अगर ऑनलाइन क्लास करेंगे या मैराथन देखेंगे या फिर लाइव क्लास देखेंगे, अटेंड करेंगे मैथ और रीजनिंग की, तो देखेंगे तो उस दौरान आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पेपर में बैठ करके उसको अटेम्प्ट करना वो एकदम अलग बात होता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाऊंगा, और उसमें से देखना है कौन कौन से चैप्टर्स जो अभी 2-3 बार एग्जाम हुआ है, 2 बार उसमें कौन कौन से चैप्टर आए हुए हैं, तो आप पहले उस चैप्टर को टिक करिए और उन सभी चैप्टर्स पर कम से कम 30 से 40-50 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, आप अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। और पिछला अगर पेपर देखिए तो मैथ के जो है 16 क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग के जो है 15 क्वेश्चन आए हैं, तो दोनों को मिलाकर के 31 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने को मिलेगा, 31 नंबर टोटल प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही आपको 1 से लेकर 16 तक मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट में 105 से लेकर 120 तक आपको रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसके लिए आपको किसी का वीडियो देखना ही नहीं है, इवन मेरा भी या किसी का भी वीडियो देखना ही नहीं है, यह गलती मत करिएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर बाद कि पेपर में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को ले लीजिएगा, उन चैप्टर को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद उन चैप्टर पर 30-40 क्वेश्चन लगा लीजिए, और क्वेश्चन भी बहुत टफ वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको, बस इस तरीके से लगाना है कि वो चैप्टर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए और उस चैप्टर पे जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो रिवाइज हो जाए,
अब आप कहेंगे गुरु जी ये 30-40 क्वेश्चन हम ढूंढे कहां से, तो आप यूट्यूब पे लगेंगे ढूंढने, टेलीग्राम पे ढूंढने लगेंगे, इधर उधर फलाना टिकाना, तो आपका ढूंढने में समय चला जाएगा। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप वैसे करिएगा, आपको एक जगह क्वेश्चंस, उस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे नो डाउट। आप क्या करिएगा, आपके पास लूसेंट की बुक होगी, मैथ की, गणित की, जीके वाली नहीं, लूसेंट की गणित की किताब भी आती है और रेलवे वाला, उस पर रेलवे लिखा रहता है, वो बहुत अच्छी बुक है आपके प्राइमरी तक लेवल के लिए। उससे ज्यादा आपको करना भी नहीं है और इन 15 दिन में उससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। अगर आपके पास है तो आप उस बुक से ही क्वेश्चन लगाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो आप टाइप टाइप के क्वेश्चन जो दिए हैं उसे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा 30-40 क्वेश्चन हर चैप्टर के रिवाइज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं, क्लियर। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो उसका भी एक सोल्यूशन है, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, लूसेंट टाइप करिए, लूसेंट मैथ गणित, तो वो आ जाएगा आपके पास, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। चैप्टर जो है मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से मैथ में क्वेश्चन आए हैं, रीजनिंग भी उसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन चैप्टर्स को आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस बुक से आप उन चैप्टर्स को लगा लीजिए, उसके क्वेश्चन 30-30, 40-40 क्वेश्चन लगा लेंगे। एक दिन में आप चाहेंगे तो 2-3 चैप्टर कवर कर सकते हैं, इसमें आप दिनों रात एकदम जम के पढ़ाई कर रहे होंगे, और एक दिन में अगर क्या 60 क्वेश्चन नहीं लगा सकते, आप कोर्स लगा सकते हैं, 2 चैप्टर फतेह करिए, आराम से 10 दिन में पूरे 20 चैप्टर हो जाएंगे। और अभी हम देखेंगे पेपर में तो मुश्किल से 17 से 18 चैप्टर से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और अगर आपने सीटेट का मैथ पढ़ा है तो वहां पर भी आपको काफी चीजें, एक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या कर रहा है मैथ वालों के लिए, जो पुराने स्टूडेंट है हमारे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका मैथ थोड़ा सा भी में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप और कुछ मत करिएगा, वीडियो तो किसी का करते ही देखना ही नहीं है, आप वीडियो देखने में समय व्यस्त नहीं करेंगे, आप देखेंगे तो खुद कब लगाएंगे, और देखना और खुद लगाना दोनों अलग बात है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हम घर बैठ करके कह सकते हैं कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इस बार पे उसने उसको ऐसे मारना चाहिए था, उसको वैसे मारना चाहिए था, घर बैठ के देखना वो अलग बात होता है, और ग्राउंड में जाकर के खुद परफॉर्म करना वो अलग बात होता है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग का तो आपको मैराथन कुछ भी नहीं देखना, बस किताब से जो चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन को रिवाइज करना है, बस और कुछ नहीं। वीडियो देखेंगे आप खुद का नुकसान करेंगे, ठीक है। मैराथन और राथन इसका तो देखना ही नहीं है, जीके और साइंस का आप देख सकते हैं, लेकिन वही मैराथन देखिएगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, यहाँ स्क्रीन पर वहां मैं दिखाता हूं कि मैथ के प्रीवियस में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, और आप उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये बीपीएससी का जो है अभी जो एग्जाम हुआ था अगस्त में, उसका पेपर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पेपर 2, यानी पेपर 1 जो था वो तो सब्जेक्टिव था, ये जो है पेपर 2 है वो तो लैंग्वेज का था, ये पेपर 2 में देख लेते हैं 120 क्वेश्चन आए थे। तो हम अभी जो है मैथ्स के क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस किस चैप्टर से आए थे और कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया है, तो पहला देख लीजिए आप, ये है सिंप्लीफिकेशन का, तो आपकी सुविधा के लिए मैं हिंदी में दिखा देता हूं। तो देखिए ये कहा है कि यक्स का मान होगा, हल करके नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि हल कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको खुद हल करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर का है, तो पहला चैप्टर कौन सा आपसे आ गया, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, दोनों तरफ स्क्वायर करके हल करना है इसको, सरलीकरण। दूसरा है, ध्यान दीजिए, पहला सिंप्लीफिकेशन से आ गया, इसे आप नोट कर लीजिए, सरलीकरण से, सरलीकरण एक क्वेश्चन सरलीकरण से। फिर ये क्या आ गया, एक ठोस गोले की त्रिज्या, यहां पे गोला आ गया, यानी आपको आयतन से भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसके लिए आपको क्या चैप्टर पढ़ लेना है, घन घनाभ, ठीक है, आयतन नामक चैप्टर। जब आप वो बुक खोलेंगे लूसेंट वाला तो उसमें आयतन नामक चैप्टर होगा और उसमें ये सारे दिए होंगे, घन घनाभ पढ़ लेना है, ध्यान दीजिए, घन घनाभ, शंकु बेलन, शंकु बेलन, ये आयतन चैप्टर से उठाया इसने, शंकु बेलन हो गया, और उसके बाद गोला, ठीक,
ये आपको पढ़ लेना है। जरूरी नहीं है कि ये आयतन चैप्टर में गोला है तो गोले से जरूरी थोड़ी किस बार आ जाए, घन घनाभ से भी आ सकता है, शंकु बेलन से ही आ सकता है। और लूसी में बड़ा शॉर्ट में दिया है दोस्त, आप उससे पढ़ सकते हैं, एकदम रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा एक दिन लगेगा, दो दिन, फार्मूले वगैरह हैं उसे आपको रट लेना है। तो पहला आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया सरलीकरण, दूसरा हो गया आपका आयतन जिसमें घन घनाभ, शंकु बेलन, गोला, वृत्त, ठीक है, और एक तीसरा चैप्टर वो भी आप पढ़ लेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या दिया रहेगा आपका, क्षेत्रफल में दिया रहेगा आपका वर्ग, आयत, वृत्त, ये तीनों दिए रहेंगे, आप उसे पढ़ लेंगे। त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये चार चीजें क्षेत्रफल नामक चैप्टर में दिया हुआ होगा, वो आप जरूर पढ़ लेंगे। यहां पे परसेंटेज से आ गया क्वेश्चन लाभ हानि, तो आपका चौथा चैप्टर क्या हो गया, लाभ हानि, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, चौथा चैप्टर ये हो गया आपका, क्लियर। इसे भी आप रिवाइज करेंगे, इसके साथ साथ आप SICI भी रिवाइज करेंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, फार्मूले पर जो जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उसे रिवाइज कर लीजिए। बहुत टफ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, एकदम आसान से साधारण से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से यहां भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सरलीकरण से आ गया, आयतन चैप्टर आ गया, क्षेत्रफल आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पे भी आपको ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर से है, एकदम सरलीकरण नामक चैप्टर से है, एकदम इसका लसन लीजिए, त्रिक गुणा भाग करिए, स्क्वायर क्यूब वाला सूत्र लगा दीजिए, यहां भी ये आपका सिंप्लीफिकेशन से आ गया, घात वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से आ गया, हल कर देंगे, लेकिन समय लग जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसे हल करिए, ठीक है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम हल करके बता देंगे, ठीक। चलिए अगला, यहां पे देखिए, यहां पे एक नया चैप्टर है आपका, देख लीजिए, यहां पे बीजगणित से आ गया, बीजगणित से आ गया, लेकिन इसमें भी सरलीकरण का ही सूत्र लगेगा। जैसे भाज्य बराबर, सरलीकरण में आप ये पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये बीजी व्यंजक हैं, बीजी व्यंजकों का यहाँ पे भाग दिया है, गुणा भी दिया है, ठीक है। तो बीजगणित थोड़ा सा आना चाहिए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बीजगणित यानी बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, और फिर इसे आप सिंप्लीफिकेशन से हल कर लेंगे, ठीक। तो सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, आ गया ना शंकु बेलन, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था आयतन चैप्टर, तो वहां पे आपको शंकु बेलन मिल गया है, शंकु मिल गया, गोला मिल गया, वो आयतन चैप्टर से ही उठाया इसने, ठीक है। अब देख लीजिए नवा, यहां पे ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन है कि किसी क्लब में सदस्य या तो तंबोला या तो रमी में भाग लेते हैं, 320 रमी में भाग लेते हैं, तंबोला में भाग लेते हैं, और हाँ समुच्चय से भी एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, समुच्चय से भी, सेट से भी एक क्वेश्चन आ गया है, लेकिन उसको आप ज़्यादा डीप में हो जाएगा, तो इसे आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से लगाएंगे, सीटेट वाला कॉमन सेंस लगाएंगे, लग जाएगा, ठीक। तो फिर अगला आ गया, दो वर्ष पहले सरलीकरण, आयु वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, आयु वाले, तो आप आयु वाला जो चैप्टर है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं सारे चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, आप पॉज करके चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ठीक है, और उस किताब से उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे कोई लगा वीडियो में लगवाएगा तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, आप अभी तक इतना तो कॉमन सेंस डेवलप हो चुका है कि आप थोड़ा सा तो लगा ही सकते हैं, एक दो बार तो पढ़े ही होंगे। यहाँ पे फिर से सिंप्लीफिकेशन से समीकरण को हल करना आ गया, समीकरण को हल करना सरलीकरण से आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, समीकरणों का गुणा, ठीक है। तो समीकरण नामक जो चैप्टर दिया हुआ है वो भी आप पढ़ लेंगे, समीकरण से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, क्लियर। तो ये भी जो चैप्टर है, देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, के का मान पूछ रहा है, इसके अलावा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, के का मान पूछ रहा है, तो समीकरण का जो चैप्टर है वो भी आप इसमें पढ़ लेंगे। वृत्त, फिर से वृत्त आ गया, वृत्त पढ़ लेंगे, ठीक, वृत्त से क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए SICI से क्वेश्चन आ गया। ज़्यादा ज़्यादा मुझे लगता है मोटा मोटा आपको 10 से 12 चैप्टर पढ़ने होंगे बस। यहाँ पे SICI मैंने ऊपर ही बताया था, परसेंटेज में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के साथ SICI भी करेंगे आप,
14 नंबर तो बता दिया हूं। एक क्वेश्चन लॉग से आया है, लॉग लॉग जो मैंने बुक बताया है लूसेंट वाला, उसमें एक छोटा सा चैप्टर लॉग का दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 त्रिभुज, यहां पे देख लीजिए त्रिभुज से क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रफल में आप क्षेत्रफल नामक चैप्टर में पढ़ लेंगे आप। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है और त्रिभुज का दिया हुआ कर्ण दिया हुआ है, दो भुजाएं अन्य दो भुजाएं हो सकती हैं, तो ये सब दिया हुआ है। तो मोटा मोटा कह सकते हैं आपको पहले सरलीकरण पढ़ लेना है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक। उसके बाद आयतन नामक जो चैप्टर है उसे पढ़ लेना है, जिसमें आपको शंकुबेलन, ठीक, शंकुबेलन हो गया, घन घनाभ हो गया, गोला हो गया, ये सब पढ़ाया जाएगा। फिर आप क्षेत्रफल नामक चैप्टर पढ़ लेंगे, जिसमें आपको वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने को मिलेगा। ये तीन हो गया। चौथा आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, SICI पढ़ना है, क्लियर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये पढ़ लेना है। उसके बाद एक चैप्टर आया है लॉग, लॉग वाला लघुगणक, वो पढ़ लेंगे आप। अगर दिक्कत होता है तो आप बताइएगा, मैसेज करिएगा, मैंने इस पे चैप्टर पे वीडियो बनाया हुआ है, आपको दे देंगे, ठीक है। बाकी इतना सारा पढ़ लेंगे आप। उसके अलावा ये पढ़ने के बाद आपके पास अगर समय बचेगा तो आप जो है एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको चैप्टर दिखे। हाँ, एक और पढ़ लीजिएगा, शेषफल प्रमेय और अभाज्यता का नियम, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस सरलीकरण में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, शेषफल प्रमेय और अभाज्यता और विभाज्यता का नियम, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा पेपर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सरलीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है, सरलीकरण घातांक, घातांक से, घातांक के सरलीकरण से आया हुआ है। फिर सरलीकरण से आया है, सरलीकरण से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर देख लीजिए अनुपात से आया है, अनुपात समानुपात, और वो भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया है, ऊपर ऊपर से बेसिक, तो अगर आप बेसिक से भी पढ़ लेंगे उसको, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, बस चैप्टर के 30-30 क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए उस बुक से, 100% आपको 16 में से आप गिरते गिरते आप 14 क्वेश्चन 100% लगा कर आएंगे, उसमें कोई दाग नहीं लगेगा, एक आध क्वेश्चन जो है वो अपने से कहीं से भी देंगे तो, और उनका हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको अपना प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करना पड़ेगा। अनुपात समानुपात से आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे एक नया चैप्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है पार्टनरशिप से भी आ गया है, पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कार्य समय, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, ये सब पढ़ लेंगे आप। परसेंटेज से क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक, परसेंटेज से क्वेश्चन हो गया। हाँ, टाइम एंड वर्क आप जरूर पढ़ेंगे, और उसमें एक होता है पाइप एंड सिस्टर्न, पानी टंकी वाला, वो भी पढ़ लेंगे। आयतन से क्वेश्चन आ गया, देखिए गोले से क्वेश्चन बराबर आ रहा है, गोले से क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिल रहा है, उसे पढ़ लेंगे आप। यहां भी क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ गया आपका। अब आ जाइए यहां पे, चाल समय दूरी, ट्रेन के लिए चाल समय दूरी नामक जो चैप्टर है वो भी आप पढ़ लेंगे, चाल समय एवं दूरी। और हाँ, वीडियो वीडियो नहीं देखना है कुछ, आपको सीधे अपने से लगाने क्वेश्चंस, बुक से प्रैक्टिस करनी है बस। सरलीकरण से फिर से क्वेश्चन आ गया, अगला देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ गया, SICI, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद फिर यहां पे परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इन दोनों के बीच संभव परिमेय संख्याएं हैं। फिर एज वाले क्वेश्चन आ गए, एज वाले, उम्र वाले चैप्टर। उसके बाद 14 नंबर में देखिए, यहां पे प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि से क्वेश्चन आ गए। 15 नंबर में देखिए, यहां पे परसेंटेज से फिर से आ गया, फिर से परसेंटेज आ गया। और यहां पे फिर से बीजी व्यंजकों का सरलीकरण वाला, क्या होता है, आधार समान होती है तो घातों का जोड़ घटाना हो जाता है, पहले तो इसे हल करके अंदर भेज देंगे गुणा करके, उसके बाद ऊपर 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 जुड़ जाता है, घाते जुड़ घट जाती हैं, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन में आप रिवाइज कर लेंगे। तो अभी आपको जैसे गणित में लग रहा होगा अंधेरा अंधेरा, कितना पढ़ें, नहीं, आपको 10 से 12 चैप्टर हमने बता दिया है, आप सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़िए,
रिवाइज करिए और उस किताब से लगा लीजिए बस, जो मैंने आपको बुक बताया लुसेंट सफिशियंट मोर देन, उससे ज़्यादा आप अभी 10 दिन 12 दिन में कुछ कर ही भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बुक सजेस्ट किया है कि 12 से 15 दिन में आप इस बुक के 30-30 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, हर चैप्टर के 30-30 क्वेश्चन लगा लीजिए। अभी मैं आपको मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो अलग से PDF बना करके उस पर वीडियो बना दूंगा, आप वो चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। फिलहाल एक बार डिस्कस कर लेता हूं, पहले आपको सरलीकरण पढ़ना है, सरलीकरण, ठीक, उसके बाद आपको अनुपात समानुपात पढ़ लीजिए, दो हो गया, फिर आप आ जाइए कार्य समय वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, 20 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा उसका कार्य समय, पानी की टंकी वाला रिवाइज कर लीजिए चौथा, पानी टंकी वाला, पानी टंकी, और फिर आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और SICI ये रिवाइज कर लीजिए, क्लियर। अब आ जाइए फिर अगला आ जाइए छठा आय वाले चैप्टर, क्योंकि आय वाले क्वेश्चन भी देख रहे हैं आ रहे हैं, फिर आयतन, आयतन में क्या आएगा आपका, आयतन नामक चैप्टर में क्या आएगा आपका, घन घनाभ संकुबेलन गोला, उसके बाद आ जाइए आठवां क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में आप पढ़ लीजिए वर्ग आयत, आयत और फिर और पढ़ लेंगे आप उसके बाद त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब पढ़ लेंगे थोड़ा सा, क्लियर। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इतना ही, इससे ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे अभी इन 12 से 13 दिन में, क्योंकि 15 को एग्जाम है तो 13 या 14 को आप घर से निकलेंगे जिससे कि आप एग्जाम दे सकें, तो और 1 तारीख आज हो गया, तो इन 12-13 दिन में इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं सकेंगे। वीडियो मत देखिएगा दोस्त, मैं इतना जरूर कहूँगा, आप खुद से पढ़िए, जो खुद से पढ़ेगा वो एग्जाम फतेह कर पाएगा, जो खुद से नहीं पढ़ेगा उसको दिक्कत होगा। इसी तरीके से आप PDF में जो है लास्ट में जब चले जाएंगे तो रीजनिंग के चैप्टर उठा लीजिए, ठीक, लास्ट में आप जाएंगे तो रीजनिंग के चैप्टर उठा लीजिए, वहां भी आपको 20 क्वेश्चन 120 तक, 105 से लेकर के 120 तक 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। आप चैप्टर देख लीजिए किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं बस, फिर उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए और वो भी लुसेंट की किताब से कर लीजिए, उसमें शॉर्ट में दिया हुआ है, हर चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, बन जाएगा आपसे, 15 में से 12-13 छाप कर आएंगे गारंटी के साथ, ठीक है, इतना कर लीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर अभी PDF बनाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मैथ और रीजनिंग में कहीं भटकना न पड़े, ठीक। चलिए, हैव गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।